नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। गंज बासोदा शहर में अभी भी खाली पड़े मैदानों में बारिश का पानी भरा हुआ है। पानी में बड़ी संख्या में मच्छर पनपने लगे हैं, जिसके कारण डेंगू के मरीज बढ़ने लगे हैं। पिछले दो दिनों में शहर भर में डेंगू के 4 मामले सामने आए हैं। चारों मरीजों को उपचार के लिए भोपाल में रेफर कर दिया गया है। ऐसे में डेंगू का मामला सामने आने से नगर पालिका की साफ सफाई की व्यवस्था पर सवालिया निशान भी उठने लगे हैं। वहीं वार्ड क्रमांक 7 की पार्षद और नगर पालिका उपाध्यक्ष रानी लोधी ने कहा कि उनके वार्ड में डेंगू के मरीज मिले हैं, जिनका उपचार भोपाल में किया जा रहा है। जबकि नगर पालिका लोगों को डेंगू से बचाने के लिए दवा का छिड़काव भी कर रही है। 4 से 5 डेंगू के मरीज डायग्नोज हुए हैं, उनका विधिवत इलाज किया जा रहा है। और साथ ही में नगर पालिका को निर्देशित किया है कि वो फॉगिंग करे, जहाँ जहाँ पे भी प्लॉटों में पानी जमा हुआ है, जो प्लॉट धारी है उनके खिलाफ कार्रवाई करे।